हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पीएस टेट, सी टेट, यूपी टेट और सभी स्टेट्स के टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स, ताकि आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकें। यह सभी नोट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम टीचर्स की वैकेंसी से जुड़ी और सीटेट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हरियाणा एजुकेशन से रिलेटेड लगातार गुड न्यूज़ आ रही हैं, और जो नई न्यूज़ आई है उसमें जो एचटेट के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा हैज़ रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन फॉर एचटेट 2019 टुडे। एज़ पर नोटिफिकेशन पब्लिश्ड एट bseh.org.in, द हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन नवंबर 16 एंड नवंबर 17। एचटेट लेवल 1, 2, 3 विल बी हेल्ड ऑन दीज डेज। तो जहां पर हरियाणा के लिए जो टेट एग्ज़ाम होगा वह 16 और 17 नवंबर को होगा, जिसमें लेवल 1, 2, 3 तीनों के लिए इन दो दिन में एग्ज़ाम होगा। HTET 2019 एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड बाय BSEH कैन बी नोटेड बाय टीचिंग एस्पायरेंट्स ऑफ हरियाणा नाउ। लेवल 1 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर प्राइमरी टीचर, दैट इज दोज हु विश टू टीच फ्रॉम क्लास 1 to 5। लेवल 2 टेस्ट विल बी फॉर TGT टीचर, दैट इज क्लास 6 to 8 टीचर्स, एंड लेवल 3 शैल बी फॉर PGT लेक्चरर्स। तो जहां पर HTET के लिए तीनों एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। स्कीम सिलेबस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट शैल बी पब्लिश्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन दैट विल बी रिलीज्ड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। However, since the exam pattern is not likely to be vary from the last time, the test is looked forward to be of 2.5 hours during having 150 questions of 150 marks. तो इस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनके 150 मार्क्स होंगे, और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर HTET इज़ टू बी गेट 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ हरियाणा, वेयर एज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज़ 55% फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज। तो जहां पर हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, और यह एग्ज़ाम 16 और 17 नवंबर 2019 को होगा, जिसमें तीनों लेवल का एग्ज़ाम, लेवल 1, 2, 3 का एग्ज़ाम इन दो दिनों में लिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं उन्हें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताँ जो वह अपनी स्टडी इन 2-2.5 महीनों में कंप्लीट कर सके। और इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन अप्लाई करने के रिगार्डिंग या और भी जो फर्दर अपडेट्स आएंगी उसके रिगार्डिंग भी हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे।